बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। मैं आज एलेबोरेट करने वाला हूँ शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस के हवाले से। तो उसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम के एडमिशन का आगाज हो चुका है। अब इसमें कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को कैसे सबमिट आउट करना, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले हर किस्म की लेटेस्ट अपडेट विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान इंटरनेशनल किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी जगह एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे एक कॉल और मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे। आपका बैंक का चालान डॉक्यूमेंट इसे प्रिंटेड है, सारी जिम्मेदारी हमारी है। इसके लिए आपको किसी बैंक, किसी दायरे, किसी शॉप या किसी भी थर्ड पर्सन के पास आने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन को फुली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। अब सीनी यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स मेरे सामने अवेलेबल हैं। डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन जिसे डीवीएम कहा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीएस फिश एंड एग्रीकल्चर, बीएस पॉलिटी साइंसेज, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बीएस फॉरेस्ट्री, उसको बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड साइंस टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रोग्राम सारे अवेलेबल है। एक गवर्नमेंट सेक्टर की टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर लास्ट डेट ऑफ अप्लाई जो है वो 4 दिसंबर है और प्री एंट्री टेस्ट जो है वो 10 दिसंबर को होगा। बेनिफिट टेस्ट ऑफ द सेम दैट बलोचिस्तान कैंडिडेट्स कायद आजम अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाबशाह, वैल्यू ऑफ द टेस्ट ऑफ द पंजाब और केपी के स्टूडेंट रावलपिंडी और मुल्तान, ये दोनों जगह पे उनका टेस्ट लिया जाएगा। जो पंजाब से कैंडिडेट है वो रावलपिंडी और मुल्तान में भी टेस्ट ले सकते हैं और जो केपीके के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे बेहतर एक अपॉर्चुनिटी दे दी गई है। जितने भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए एक डिफरेंट यहाँ पे क्राइटेरिया आपको बता दिया गया है। लेकिन उससे पहले मैं अपने आपको अपने जितने भी व्यूवर्स हैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सर्च आउट करें यूनिवर्सिटी का नाम। जैसे आप यूनिवर्सिटी सर्च आउट करते हैं यहाँ पे मैं कॉपी करके नेम कॉपी करके यहाँ पे आपके सामने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ तो आप इसको कॉपी करें। एग्जाम्पल से दैट आप इसका नेम को सर्च यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को गो थ्रू करें। जैसे हम लोग उनकी वेबसाइट पे जाते हैं यहाँ पे आपके सामने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। जैसे इस पर क्लिक आउट करते हैं तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है तो यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने से पहले हमें फीस स्ट्रक्चर भी जानना होगा तो हम लोग फीस स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं कि अप्लाई करने से पहले फीस स्ट्रक्चर क्या है, मेरिट क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ आपके सामने, यहाँ पे एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट भी सब कुछ आपके सामने अवेलेबल है। अब मैं क्या करता हूँ, अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे क्लिक आउट करता हूँ सेशन के हवाले से, यहाँ पे मेरे सामने डायरेक्टली जो लिंक है जिसपे अप्लाई करने वहां ओपन हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स फीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा वेबसाइट को गो थ्रू करेंगे तो आपको फीस स्ट्रक्चर भी इसका मिल जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ, बैक आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ अगर थोड़ा सा हमें फीस स्ट्रक्चर का इसका पंपलेट जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, फैकल्टी आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे क्लिक आउट करें। जैसे इस पर क्लिक आउट करते हैं अप्लाई ऑनलाइन डाउनलोड जलाल फॉर्म, यहाँ पे सारा कुछ बताया था कि प्रोस्पेक्टस दिया गया, प्रोस्पेक्टस को देख सकते हैं। यहाँ पे डीवीएम पे मैं क्लिक आउट करता हूँ तो डीवीएम का यहाँ पे सारा कुछ आपको डीवीएम के हवाले से डिस्कस कर दिया गया है। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करने के बाद अगर हम लोगों ने अप्लाई करना है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा होम पे जाते हैं। होम पे जाने के बाद हम लोगों ने इसके अप्लाई प्रोसीजर को देखना है कि आपने क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आके अप्लाई करना है तो आपने एडमिशन के पोर्टल के ऊपर क्लिक आउट करना है। जैसे मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद हम लोग थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करते हैं। यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक आउट करना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करने के लिए आपने अपने तमाम डिटेल देनी है, सीएनआईसी नंबर, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड और ईमेल एड्रेस, ये लगा के आपने अपने आपको रजिस्टर्ड कर लेना और आफ्टर दैट आके आपने वापसी लॉग इन कर लेना है। जैसे लॉग इन करेंगे तो आपके सामने एडमिशन पोर्टल अपना आईडी कार्ड नंबर पासवर्ड लगा के लॉग इन करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म के अंदर आप अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, उसके साथ साथ अपनी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ डाटा ऐड करके आपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आप सबमिट आउट कर दें और देन चलान को भी बैंक में पे करके अपडेट कर देते हैं। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है। जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं कि अप्लाई से पहले पहले और डेट क्लोजिंग से पहले पहले आप इस फॉर्म को सबमिट आउट कर सकें। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी और मजीद डिटेल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।